जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी हैज़ गिवन बाय, यानी ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए मार्शल ने, बी केन्स ने, सी स्मिथ ने, या फिर डी नन ऑफ दिस अबव। तो द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसके द्वारा दी गई है थ्योरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीन्स के द्वारा दी गई है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय कीन्स, तो बी सेकेंड यानी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी फॉल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें पूछा गया है, जब हम अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने में असफल हो जाते हैं तो वो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे, बी टैक्सेशन, सी डबल काउंटिंग, या फिर डी इंसेंटिव्स। तो इसमें से क्या हो जाएगा, विच ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी फॉल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डबल काउंटिंग उसे कहते हैं। तो सी डबल काउंटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1:1 इज द आइडियल क्विक रेशियो। ये बताना है आपको कि ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है, ट्रू है, फॉल्स है, गलत है, सी कान से, या फिर डी पार्शियली ट्रू है, यानी कुछ हद तक सही है। तो 1:1 इज द आइडियल क्विक रेशियो, क्या ये सही है? तो हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ए ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1:1 इज द आइडियल क्विक रेशियो, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ सुपर प्रॉफिट्स आर नेगेटिव देन गुडविल विल बी, ए पॉजिटिव होगी, बी नेगेटिव होगी, सी आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक, या फिर डी निल। अगर सुपर प्रॉफिट्स नेगेटिव होंगे तो देन गुडविल क्या होगी आपकी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी निल। इफ सुपर प्रॉफिट्स आर नेगेटिव देन द गुडविल विल बी नेगेटिव और निल, तो दोनों ही आपकी होगी, तो डी आपका यहाँ निल आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन दिया है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते भी हैं असर्शन एंड रीजन के। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। और इसका रीज़न क्या दे रखा है, द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लॉस और प्रॉफिट ड्राइंग सैलरीज एक्सेट्रा आर शोन इन द करेंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या ये असर्शन जो है ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर सी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू एंड असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या ये असर्शन जो रीज़न है इसका रिलेट कर रहा है आपस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
assertion, यानी ये दोनों ही सही है और जो reason है वो assertion से relate कर रहा है. तो A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो A आपका right answer हो जाएगा. A is the right answer. उसके बाद next question में पूछा है which of the following is not a step in the process of planning. तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजन यानी प्लानिंग के प्रतिक्रिया के अंदर नहीं आता है. ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए मेकिंग अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, बी इवैल्यूएटिंग डिफरेंट प्रपोजल्स इन लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू अचीव्ड, सी एलोकेशंस ऑफ जॉब टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, या फिर डी सीइंग वेदर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड एज पर शेड्यूल और नॉट. तो आपके प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर कौन सा नहीं आता है. आई होप आप लोगों को इसमें क्वेश्चन देखकर ही इसका आंसर पता चल गया होगा. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एलोकेशंस ऑफ जॉब्स टू मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट. ये आपका प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर नहीं आता है. तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अंडर योर प्लानिंग प्रोसेस. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो क्या ये जो रीज़न है ये रिलेट कर रहा है assertion से. तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा. तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और सब लोग ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा. ये आपके लिए होमवर्क है और सभी को इसका आंसर जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मेन पर्पज़ ऑफ डैश इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. यानी क्या मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की भागीदारी है. ए डेलीगेशन, बी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिसेंट्रलाइजेशन, या डी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. यानी प्रतिनिधिमंडल, बी औपचारिक संगठन, सी विवेकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, या डी सहभागीय संगठन. तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डिसेंट्रलाइजेशन. यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन. सी विकेंद्रीयकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन इज द राइट आंसर.